यू आर स्पेशल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे फ्रेंड्स, आप सबको खुश आमदीद कहते हैं आपके अपने चैनल काशिफ सुल्तान एंटरटेनमेंट पे। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ताला आप सब खैरो कैरियर से होंगे। हम सब भी आप सब की दुआओं और अल्लाह ताला के फजलो करम से बिल्कुल ठीक ठाक, फिट फाट और मजे में। तो देखिए फ्रेंड, मेरे चैनल का नाम है काशिफ सुल्तान एंटरटेनमेंट। चैनल पर न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो फुल वॉच किया करें। वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करें, वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखें और कमेंट्स में आप अपनी कीमती राय भी वीडियो रिलेटेड देख सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं और मेरी प्यारी सिस्टर जो कि बिहाइंड द कैमरा है, हम आपके सारे कमेंट जरूर रीड करेंगे और कमेंट्स रिप्लाई भी देंगे। थैंक यू। हमारा दूसरा चैनल है ब्लू ब्लडेड, वहां पर भी विजिट करें, इंशाल्लाह आपको वीडियोस अच्छी लगेंगी। उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और फैमिली और फ्रेंड से शेयर करें, ठीक है। थैंक यू। तो देखिए फ्रेंड्स, काशिफ सुल्तान एंटरटेनमेंट चैनल नियाजी नई वीडियो में कौन सी रेसिपी शेयर कर रहे हैं। आज है हमारे प्यारे वालिद साहब का, प्यारे वालदे मोहतरम जो है उनका बर्थडे है। तो सबसे पहले कहेंगे प्यारे पापा जान हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू यू पापा जान। ठीक है, तो हम सब की तरफ से, मेरी तरफ से, मेरी प्यारी सिस्टर की तरफ से, हमारी सारी फैमिली की तरफ से, वालदा साहिबा, भाई जुनेद की तरफ से, सबकी तरफ से प्यारे वालिद साहब आपको ईद सालगिरह की बहुत बहुत मुबारक हो। जी बिल्कुल, मेरी तरफ से भी भाई सालगिरह की मेरे वालिद साहब को ना बहुत बहुत मुबारक हो। ठीक है, तो सालगिरह की मुबारक देते हैं और बताते हैं आज क्या क्या प्रोग्राम पार्टी है। तो प्यारे वालिद साहब आप सब, आपको ईद सालगिरह की बहुत बहुत मुबारक हो। तो आज वालिद साहब के लिए सरप्राइज है, मैंने और सिस्टर ने अरेंज की है पार्टी। वालिद साहब के लिए स्पेशल केक लेकर आया हूँ। केक जो है केक कटिंग सेरेमनी करेंगे, अभी वालिद साहब को ऑफिस से आने का टाइम है। तो शाम का जो है दूध आ गया, दूध बाड़े से ताजा आया है, शाम की अच्छी सी चाय रखी है। तो पार्टी के साथ आज बना रहे हैं बर्गर्स, ठीक है, घर में अंडा शामी बर्गर बनाएंगे और इसके अलावा केक आया हुआ है, वालिद साहब का बस इंतजार है। तो हमारी तो नॉर्मल रोज यही रूटीन होती है शाम की, वालिद साहब के साथ अच्छी सी चाय पीते हैं, वालिद साहब, वालदा साहिबा, हम सब मिलके जो है ना शाम की मजेदार सी चाय पीते हैं। इस टाइम ऑफिस से आने का वालिद साहब का टाइम होता है, तो इस टाइम हम रोज ही ये रूटीन होती है। तो चाय के साथ कुछ ना कुछ स्नैक्स होते हैं। तो आज तो स्पेशल दिन है वालिद साहब की, है बर्थडे, तो बर्थडे के दिन बना रहे हैं हम अंडा शामी बर्गर साथ, ठीक है। ठीक है, अंडा शामी बर्गर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर बर्गर बंस ले लिए हैं, यहाँ पर पांच अंडे आपके सामने अभी निकाले, इनको फेंट दूंगा। और चाय का पानी कट गया था, उसमें डाल दी है पत्ती और अब जा रही है इसमें इलायची, सब्ज इलायची, सब्ज इलायची, ठीक है। तो सिस्टर और मैं और वालदा साहिबा, भाई जुनेद की तरफ से वालिद साहब के लिए सरप्राइज है, सरप्राइज यानी कि अभी ऑफिस से आएंगे तो केक कट करेंगे ना। ठीक है बिल्कुल, तो हम इतने में प्रिपरेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे ना कि यहाँ से पहले स्पून ले लेते हैं, ठीक है, और अंडों को बीट कर लेते हैं, ठीक है। पांच अंडे, पांच बर्गर बना रहे हैं तो पांच अंडे, ठीक है। ठीक, ये हो गया, और यहां से ले लेते हैं बन सेकने वाला चम्मच। ऐसे घी में सेकेंगे बंस, ठीक है। यस, आजकल बाजार से जो बर्गर मिल रहे हैं बहुत ही बेकार है, घी महंगा हो गया ना, तेल घी हर चीज महंगी है, पर उन्होंने जो है ना बर्गर तलना छोड़ दिया है ना, टोस्ट करना छोड़ दिए, ठीक है। यस, तो बेकार से होते हैं। हमने तो, हमारी एक बहुत फेमस जगह थी, दो दो करूँ ना कि तीन दिन, नहीं दो, ठीक है भाई। हमारी एक फेमस जगह थी तो हम वहां से बड़े शौक से जाके यहाँ से खाते थे, हालांकि इतने दूर आ गए,
तो यहाँ से जाके कार में बैठ के खाते थे, तो उनका बर्गर जो है बेकार था लास्ट टाइम, है ना। बिल्कुल भाई, अब नहीं जाते, आप घर में ही बना लेते हैं ना। वैसे सिस्टर इधर मरकज से मिलते हैं, बर्गर मंगवाती रहती हैं, ठंडा शाबू बर्गर, पर इतने टेस्टी नहीं होते, इतने अच्छे नहीं लगते बर्गर। घर में फ्राइड टोस्ट कर लेंगे पहले बंस को। तो एक दफा फिर से कहते हैं प्यारे वाली साहब, प्यारे पापा जी, हैप्पी बर्थडे टू यू, सालगिरह मुबारक। बिल्कुल, आज वाली साहब की सालगिरह है, तो खुशियों का दिन है हमारे लिए, तो बहुत बड़ा खुशी का दिन है, खुशी का दिन है। तो वाली साहब के लिए सरप्राइज भी रेडी हो रहा है। यस, ऑफिस से आएंगे और फिर देखेंगे, खूब सारा सरप्राइज है जी, और केक कटिंग करेंगे, केक कट कराएंगे, सारी वेट कर रहे हैं, वालदा साहिबा भी रेडी हैं, भाई जुनीद, सिस्टर प्यारी, यस, सब ने अरेंजमेंट की है और रेडी रेडी हो गए सारे, है ना। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। बस अभी न्यू ईयर भी आ रहा है, न्यू ईयर का भी केक कट होगा, यस, फिर और भी बहुत सी सेलिब्रेशन है, आप तो चलती रहेंगी सेलिब्रेशन, है ना। बिल्कुल भाई, मेरे भाई की बर्थडे भी आ रही है ना, काशी भाई की। ये ना हमारे इधर मरकज में बेक मैन, ये उनके बर्गर बांध है ना। बिल्कुल, सिस्टर ने मंगाए थे, वो क्या कहते हैं, बाका खानिया, वो बहुत मजे की थी ना, बाका खानिया भी अच्छी थी। ये ठीक है जी, ये हो गया, और थोड़ा थोड़ा हमने इन्हें सेक लेना, देखो प्रेस की करना है ऊपर से, अच्छे से ना सिक्के में बांस जो है ना, बड़े अच्छे लगते, अच्छे लगते हैं। बिल्कुल, ये देखिए एक तरफ से हो गया, अब इनको टर्न करते जाएंगे, इनको बंस को अच्छी तरह सेकना है, जितने अच्छे बंस सिकते हैं ना उतना अच्छा बर्गर बनता है ना। यस, बिल्कुल भाई, तो बंस सेकने में घी की कंजूसी मसाला हो, प्रेस भी करते जाएंगे और इनको सेक के स्ट्रे में निकाल देंगे, ठीक है। यस, कलर आ गए, क्या प्यारा कलर है। यस, सही हो गया, जगह की कमी के पेशे नजर जी भाई, बिल्कुल। यस, तो अब क्या करते हैं, नेक्स्ट प्रोसीजर, इसमें सीजनिंग डाल देंगे, ठीक है। यस, नमक और मिर्च, ये पांच अंडे हैं सबके, बर्गर में एक एक अंडा, एक एक आ जाएगा बिल्कुल, और शामी टिक्किया भी ना एक एक आ जाएंगे, शामी टिक्किया भी रखी है, ये हो गया।
घी भी हो जाएगा, फिर अंडा फ्राई करते हैं, ठीक है? यस, फटाफट। और ये हमारा कावा भी कट गया, इस पे दूध डाल देते हैं। अभी दूध हमने निकालना भी है जी, बिल्कुल भाई, थोड़ा सा हम ना इसे नीचे रख देते हैं ताकि हमें बर्गर बनाने में ना इजी हो जाए ना। जी बिल्कुल भाई, बस ये वाले भी सेक ले। अच्छे से यस, अब क्या करेंगे अंडे फ्राई करते पहले शामी अंडे होने। हाँ शामी भी बिल्कुल, बहुत अच्छा याद कर संडे फ्राई करते हैं। इसको कह देते हैं बाय बाय ताकि जगह क्लियर हो जाए। सही और आते ये देखिए जो कैप्स है ना वो लादा रखेंगे, ठीक है? यस, अब हम शामी फ्राई कर रहे हैं, शामी कबाब ये हमारे घर के बने हैं शामी कबाब, बिल्कुल। अब हम लगाएंगे सॉसेज, तो जरा मुझे जगह भी दो। सबसे पहले जाएगी ग्रीन चटनी बिल्कुल। सॉस में लगानी है सर? नहीं नहीं दोनों में लगाऊंगा। फिर लगाई जाएगी चिली गार्लिक, इसको स्प्रेड कर देंगे, ठीक है? यस, थोड़ी थोड़ी ये जरूर डालनी चाहिए, ये ना हो तो दही पुदीने वाली चटनी डलती है ना, उससे बन क्या होता है नरम होता है, ठीक है? तो ये बेस में जरूर डलती है, फर्स्ट में ना ग्रीन चटनी डलती है। इसमें थोड़ी ये हो गया, सही है? यस, आप इसको जाएगी चिली का नेक्स्ट, ये देखो हो गया। यस, आप इसके ऊपर जाएगी चिली गार्लिक सॉस, सॉस ये भी हम कर लेंगे स्प्रेड आउट, ठीक है? जी,
तब जाएगी मायो मायो वो वाली नहीं की दूसरे नंबर वाली क्या ऐसे ऐसे दूध को भी कावे को चाय को बाल आ रहा यस ये हो गया गट्टू बट देखो चाय भी देखो ये हो गया सही है यस अब इसके ऊपर कीबाब भी रखने ये होगी हमारी टमाटोज और क्या कहते हैं और प्याज प्याज आज मेरा बड़ा दिल था कि बर्गर में टमाटो प्याज हो है ना जी मेरी बेटी ये ऐसे नहीं नहीं अभी रखने मेरे होशी पुल के चकार ये देखें कबाब पलट लेके ठीक है यस उसमें बन के दरवाजा खोलिया पहले पता ही तेरे से खा रही ये देखिए कबाबों को थोड़ा सा ऐसे प्रेस प्रेस करेंगे ठीक है ऐसे थोड़ा थोड़ा ना प्रेस करके डालेंगे चलो थोड़ी देर कबाब बने देखो कबाब कितनी प्यारी फ्राई होगी हमारे है ना ऐसे ही नहीं थोड़ा सा ना प्रेस करना है ठीक है ऐसे ये हमारी बर्गर पे पूरा ही आ जाएगा ना बिल्कुल थोड़ा सा ना प्रेस कर यस ये भी पूरी टिक्की आ गई ये भी पूरी टिक्की आ गई बिल्कुल मजेदार से अंडा शामी बर्गर तैयार कर रहे यस बस इंतजार है तो प्यारे वालिद साहब का वालिद साहब का यस ऑफिस से आ रहे हैं बर्थडे बॉय है ना जी बिल्कुल बर्थडे बॉय का वेट है अब इससे हम थोड़ा सा घी ले लूं जाने ठीक है देखिए फ्रेंड्स अब जाएंगे इसमें एग्स ठीक है यस अंडा भी फीका नहीं होना चाहिए ठीक है बिल्कुल भाई सही कह रहे हैं टेस्टी टेस्टी बर्गर होंगे इंशाल्लाह वो मुझे काली मिर्च और चाट मसाला निकालना है ठीक है भाई ठीक है जल्दी करो देखिए फ्रेंड्स एग फ्राई हो रहा है ठीक है जी भाई ये इस तरफ से सिक जाएगा ना तो फिर इसको हम पलट पलट बल्कि एक और बन गए है ना दो बन गए थे पर थोड़े मोटे से करेंगे पांच बंदे ये देखिए हम जो है ना प्याज डाल देंगे थोड़ा जो कम खाता है कम डाल दो ठीक है क्लोज कर लेना अच्छा वाह वाह कैमरामैन फोकस कर रहे है ना यस यस ही डाल रहा हूँ जी जी डाल दो टमाटर भी डालना मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं यस ठीक है जो बाहर है ना ठेलों वाले वो तो इसमें टमाटर प्याज नहीं डालते टमाटर प्याज महंगे है ना वो बंद गोभी और क्या कहते हैं क्या डालते हैं बंद गोभी और कभी कभी गाजर भी होती है थोड़ी सी यस टमाटर तो बिल्कुल ही छोड़ गई है टमाटर नहीं डालते गाजर होती है और गोभी होती है गाजर भी महंगी हो तो फिर नहीं डालते फिर गोभी डालते थे यस
टमाटर था ये दो चले गए। ठीक है सही हो गया हमारा सब कुछ। यस ये हो गया सही है। दिखाओ जरा कितने प्यारे लग रहे है ना। बिल्कुल। अब क्या करना है ना हमने केस के ऊपर ये दिखाओ ये अमल जरूर करना है। ये काली मिर्च थोड़ी थोड़ी सही है। यस ये घर की पिसी भी हमारी मोटी मोटी इसके साथ चिप्स होना है। और ये चाट मसाला अंदर से बर्गर फीका नहीं होना चाहिए। हमारा बर्गर बड़ा चटपटा होगा इंशाल्लाह। सही यस ये हो गया। अब इसके ऊपर ओंडा जाएगा। ओंडा जैसे लग रहा है जैसे हम मार्केट में खड़े बिल्कुल है ना। यस तो बाकी देते हैं तुमको जो अंडा होता है ना ये तवे में भी अच्छा लगता है ना। वैसे सरकार में भी ठीक है लेकिन तवे में इतना मजा तवे पे कुछ चीजें ना वाकई जैसे अंडा है ये तवे पे ही अच्छा लगता है। तवे का अपना जायका होता है ना। यस एक जो फ्राई अच्छा होता है ना वो तवे पे ही होता है इसलिए हमने दो रखे हुए हैं तवे। एक रोटी का और एक दो तवे और बेशुमार फ्राई का बिल्कुल बल्कि बेशुमार तवे और बेशुमार फ्राई बिल्कुल। देखो ना माशाल्लाह किसमें काट है सब में से बराबर है। उल्ले पड़ले में डालो ना वो। हाँ थोड़ी डाल लो केचप आई है और डली हुई है। ये करके दिखाओ ये बन गया हमारी टेस्टी बर्गर। थोड़ा सा क्लीन अप करते हैं और चाय निकाल लेते मुझे थोड़ा टाइम दे दो। बर्गर रेडी हो गए। मैंने चीनी भी डाली जी 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 पहले वाली साफ की निकाल लेंगे ना फिक्की तो फिर बाकियों में चीनी डाल देंगे। चाय रेडी है थोड़ी देर बैठ लेते हैं और दूध निकाल देते हैं। ये सिस्टर तैयारी ने खंगाल के रखी है ठीक है। यस ये है दूध ठीक है बस तो क्लिप हो गया। क्यों बेहोश हो गई। माशाल्लाह ये हो गया हमारा दूध भी निकल गया ना। यस अब दूध भी काटने के लिए रख देते हैं और चाय मजेदार से सबको लाते हैं साथ में। साथ में अंडा शामी बर्गर बाली आ रही है चाय को भी है बाली चलो चाय में चीनी डाल ले फिर मिलते हैं। जी रेडी गरम गरम शामी अंडा बर्गर खाएंगे और साथ चाय पियेंगे। चल
देखें चाय भी रेडी हो गई है और वाली साहब भी आ गए हैं, तो वाली साहब को कहते हैं हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे, बिल्कुल सालगिरह मुबारक हो। तो वाली साहब के साथ चलते हैं और केक कट करते हैं। चलो ठीक है, चलो देखिए फ्रेंड्स, अब आपको दिखाते हैं वाली साहब की सालगिरह का केक। तो एक दफा फिर से कहता हूँ प्यारे वाली साहब, आपको सालगिरह मुबारक हो। मुबारक हो जी। जी भाई, मेरी तरफ से भी मेरे वाली साहब को ढेरों ढेरों खुशियाँ और बर्थडे मुबारक हो। बहुत बहुत बर्थडे मुबारक हो वाली साहब को। तो ये मेरी तरफ से, वालदात साहिबा की तरफ से, प्यारी सिस्टर की तरफ से और भाई जुनेद की तरफ से ना, ये सरप्राइज है वाली साहब। सरप्राइज, बिल्कुल। अब केक होगा ओपन। ठीक है जी, गाओ गाना। के काया के निगाहों में चमक चाक, बिस्मिल्लाह खाने के बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये लिखा हुआ क्या है? हैप्पी बर्थडे मोहम्मद मजहरुल हक। यस, माशाल्लाह माशाल्लाह, दुआएं खुशियां, खुशी खुशियां माशाल्लाह माशाल्लाह, ढेरों ढेरों वाली साहब के लिए दुआएं। यस, तो देखिए फ्रेंड्स, सिस्टर लिख रही हैं स्पेशल कार्ड फॉर वाली साहब के लिए। स्पेशल कार्ड पे लिखा है, विश की है हैप्पी बर्थडे पापा को, है ना, दिखाओ। तो ये है प्यारी बेटी की तरफ से अपने वाली साहब के लिए बर्थडे विश, है ना जी, बिल्कुल। और ये केक है, बस वाली साहब का वेट है कि आए और केक कट करें। तो देखिए फ्रेंड्स, आज बन रहा है कलेजी पोटा। कलेजी पोटा बनाने के लिए कलेजी पोटा लाए मैं खूब सारा। वैसे हमारे घर में रोज ही चिकन आ रहा होता है, तो उसका भी कलेजी पोटा पोटे जो है ना, उसके हम बिल्लियों को डाल देते होते हैं और कलेजी तो हम भूल के खा लेते हैं ना जी, बिल्कुल। तो आज स्पेशल डिश बन रही है कलेजी पोटे की, और सिस्टर ने इसके अलावा बनाई ली है लाल लोबिया, ठीक है। यस, बिल्कुल। ये देखिए कितनी अच्छी पोटा कलेजी है, इसको धो लेते हैं जबरदस्त तरीके से, इसको धो लेंगे, वॉश कर लेते हैं, ठीक है। यस, ये बताओ जो कलेजी है ना, इसके साथ छोटी सी थैली होती है जहर की पोटली होती है, उसे निकालना जरूरी होता है। नहीं निकालेंगे ना तो वो हांडी कड़वी करती है और नुकसानदेह भी है, जाहिर बात है ना जी। ये देखिए साफ सुथरी कलेजी है ना, दूध शुद्ध हमारे उबल गए, ठीक है। यस यस, माशाल्लाह माशाल्लाह। फिर ये थोड़ा ठंडा होगा, फिर फ्रिज में लगा, फ्रिज में लगा रख देंगे। कलेजियां तो इस तरह साफ करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ पोटा, ये देखिए पोटे भी हैं इसमें। पोटे को अच्छे से मल के धोएंगे, ठीक है, ऐसे ये नाखून की मदद से ना, इसकी ये जो ऊपर चर्बी सी होती है ये उतार के। ये इस तरह सही है, ये पोटे देखिए कितना साफ हो गया। जी जी सही है। इसके साथ हम मंगाएंगे गरम गरम नान, ठीक है भाई। यस, नान मंगवाएंगे और लाल लोबिया ये, ठीक है। ये मैंने आपको कलेजी भी साफ करके दिखा दी और पोटे भी, ठीक है, यहाँ दिखाओ मुझसे। अब मैं आपको ये दिल साफ करके दिखाता हूँ, ठीक है। यस, ये दिल देखे साफ करने का ये तरीका होता है, इसको यहाँ से ना ऐसे छुरी से काटा तो ये देखिए ये ऊपर से झिल्ली उतर जाती है इसकी, और ये फिर इसे दरमियान से एक कट दे के धो लेना, ये भी खाएंगे। हाँ, दिल भी साफ करेंगे। तो मैं ये साफ कर लेता हूँ, सिस्टर छिलती है लहसुन।
अस्सलाम वालेकुम पापा जी। तो देखिए yes. फ्रेंड वाली साहब लाए खूब सारी चीजें मार्केट से आते हुए, इसके अलावा आटा लाए हैं और क्या था चीनी ये पड़ी हुई है ठीक है दो पैकेट yes. और ये देखिए सूफी सौंफ लाए, सूफी सौंफ के ये पैकेट आए हैं खूब सारे है ना जी भाई बिल्कुल। और ये स्कॉच ब्राइट लाए, ये पेस्ट लाए, लिक्विड लाए, पेस्ट की दो डब्बियां लाए हैं, ये विम बार की तीन लाए हैं, ये बर्निया लाए हैं जार, बड़े प्यारे हैं बिल्कुल भाई बिल्कुल। और ये वाले ना बर्तन हर दफा कुछ ना कुछ लाते हैं, ये ग्लास लाए हैं स्टील के बड़े प्यारे हैं, यस बहुत प्यारे हैं, ये बड़ा अच्छा स्टील है, ये भी है तीन, ये चार पांच छह साइज में ठीक है यस, और छह साइज में ये वाला मुख्तलिफ साइज है इससे ठीक है जी, ये वाले है तीन चार पांच और छह ये है ठीक है यस, छह ये वाले साइज है, छह ये वाला साइज है ठीक है ठीक है। और ये वाले स्टील तीन के तीन फ्रेंक पैन लाए, तीन लाए एक और भी है, वो पड़ा और ये कड़छा लाए चमचा है ना यस, और वो टिश्यू पैकेट, और ये टिश्यू के पैकेट ये वाले तीन सही है यस। ये सिस्टर आप सामान रखेंगी अपनी जगह, और ये चीनी है, चीनी और आटा भी ठीक है, ये भारी है बोल का यू विश यू मैनी मोर हैप्पी बर्थडे टू यू, ये उन्होंने लिखे थ्रू माय लव पापा, आंसर लिख I love you so much too. From Raja Kesan Mother. Papa Jan Mother. Thank you, thank you. Thank you. Well, thank you, thank you. Thank you, thank you. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Papa Jan, happy birthday to you. पूरे पांच बंदे हैं, चार पांच गई फिर ना इसका फिर डब्बा निकाल लेना, डब्बा निकाल लो आसानी यार, ये पकड़ना ये डब्बा उठा लिया, ये मैं उठा दू, ये जो उल्टा हुआ है उसमें डालते हैं, इतना उल्टा हो गया, ये दे दे दो बेबी को। फ्रेंड्स
नान मंगवा ली है, वाली साहब ने वैसे रोटी ली है अपने लिए और वालदा साहिबा को भी नान और कलेजी दे दी है। जी बिल्कुल। ये बनी है हमारी पोटा कलेजी, जबरदस्त सी। आप मैं, भाई जुनेद और सिस्टर प्यारी खाएंगे और ये सिस्टर सर्व करके दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड, सिस्टर ने सर्व कर ली है पोटा कलेजी और इसके अलावा लाल लोबिया भी बनी हुई है। ठीक है, तो आज वाली साहब की सबने बर्थडे सेलिब्रेट की है, मजा आया खूब।